आज हम बनाएंगे ग्वार की फली की सब्जी। और इसमें हम बिना पानी डाले और बिना उबाले हम ये सब्जी बनाएंगे। और ये सब्जी मेरी तरीके से बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके का स्वाद आएगा और सभी सभी को ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ग्वार की फली दो तरह की होती है। तो ये देख सकते हैं, ये है देसी ग्वार की फली। इसको हमें उबाल के बनानी होती है और इसको उबाल के बनाते हैं तो ही अच्छी लगती है। और ये जो मैं दूसरी ग्वार की फली आपको बताऊँगी वो है परदेसी वाली ग्वार की फली। और इसको हम कुकर में बनाने वाले हैं और झटपट बनेगी, फटाफट बन के तैयार होएगी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देख सकते हैं, ये वाली ग्वार की फली, इन ये जो बड़ी बड़ी आती हैं लंबी वाली वो हैं, इनको मैं इस तरह से टुकड़े करके रात को ही मैंने फ्रिज में रख दी थी। इसमें ऐसे काट के और फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था। बिल्कुल ताज़ा रहती है इन डिब्बों में, तो मैंने इनको निकाल लिया है जाली में और इसको मैं धो लूँगी। इसको थोड़ा सा वॉश कर लेना है और रख दूँगी। और मैंने ली है थोड़ा सा लहसुन, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ली है। और इसको लहसुन को मैं इस तरह से इसमें कूट लूँगी। आप चाहो तो पीस भी सकते हैं, सिलबट्टे पे पीस लें या फिर इस तरह से कूट लें। लहसुन को मैं कूट के और कटोरी में निकाल लूँगी। हमें लहसुन को निकाल लेना है और हमें एक मसाला डाल के पेस्ट तैयार करना है। और हम ये सब्जी कुकर में बनाने वाले हैं, आपको पता हो तो, बिना कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे, फटाफट बन के तैयार होएगी। तो मैंने जो लहसुन डाला था इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी है लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल दिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल दी है मैंने हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैंने नमक डाला है इसमें। और अब इसमें मैं पानी डाल के और एक पेस्ट तैयार कर लूँगी मसाले का। अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है, गाढ़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरह से गाढ़ा पेस्ट हमें बना लेना है। ये देख सकते हैं, इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट मैं इसको बना लूँगी। देखिए इतना गाढ़ा करना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। और अब मैं ले लेती हूँ कुकर और ये सब्ज़ी हम सरसों के तेल में बनाएंगे। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम डाल देंगे इसमें जीरा। और सरसों के तेल में जब अच्छे से धुआं उठने लगे तभी हमें सब्ज़ी छौंकनी चाहिए। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी हींग, हींग डालने के बाद मैंने मसाला डाल दिया है जिस मसाले का हमने पेस्ट तैयार किया था। और ये आप देख सकते हैं जो मसाला हमने बनाया था वो डाल दिया है। और इसको इतना अच्छे से पका लेना है कि तेल ऊपर आ जाए, मसाला इतने अच्छे से पक जाना चाहिए कि मसाले में जाली पड़ने लग जाए। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा मसाला पक जाए तब हमें इसमें फली डालनी है। कि मसाला पकता है तो तेल अलग होता है और मसाला नीचे अलग जमा जमा लगता है, जाली पड़ जाती है। इस तरह से हमें अच्छी तरह मसाला पका लेना है, उसके बाद हमें इसमें फली डाल देनी है। फली डालने के बाद इसको अच्छे से हमें घुमा लेना है, मतलब सारी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला सब्जी पे पूरा सब्जी पे मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं इस तरह से हमें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया और हम इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ जो मसाले में हमने पानी डाला था उसी से हमारी ये सब्जी बनके तैयार होगी। और ये सब्जी बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 सीटी लगानी है, 3 सीटी में ही ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाती है। और जैसे ही हम कुकर चढ़ाते हैं सीटी आती है, सब्जी हमारी बिल्कुल बहुत ही जल्दी 10 मिनट में सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाती है। और हमारी फली देखो बनके तैयार है, ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही फटाफट बनके तैयार होती है। बस चढ़ाओ और 3 सीटी आई, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं है खाने में अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मैं तो हमेशा इसी तरह से सब्जी बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सब्ज़ी पसंद आई हो तो बना के ज़रूर देखना।